जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। देखो यार, मैं जानता हूँ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि वन प्लस नॉर्ड 3 को खरीदूँ कि आईकोनियो 7 प्रो को खरीदूँ कि वन प्लस 11R को खरीदूँ कि नथिंग फोन 2 के लिए वेट करूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। ऊपर से पैसे कितने बढ़ाऊँ, कौन से कैमरे वाले फ़ोन को खरीदूँ, किस में अच्छा मेरे को परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब दिमाग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका है। चलो एकदम सिंपल और शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको सिंपल तरीके से सारे आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले आप वन प्लस नॉर्ड 3 के स्पेसिफिकेशंस को देख लो, ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं और ऐसे प्राइजेस हैं, ये ऑफिशियल है, सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद वन प्लस नॉर्ड 3 के सारे स्पेसिफिकेशंस और प्राइजेस देख लो, देख चुके होगे। फिर उसके बाद आईकोनियो 7 प्रो के सारे स्पेसिफिकेशंस और प्राइजेस देख लो, अब तक तो देख चुके होगे। फिर उसके बाद वन प्लस 11R के सारे स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसेस देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद नथिंग फोन 2 के भी जितने स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस हैं वो दिखा दे रहा हूँ, वो भी देख लो। सारे स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस आप देख चुके हो, अगर और अच्छे तरीके से समझना होगा वापस से इस टाइम स्टैम्प पे आके स्टॉप कर करके देख लेना, ताकि वीडियो समझने में आपको आसानी हो। सबसे पहले मैं आप सभी को वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आप कोई नया फोन खरीद रहे हो उसमें IPS LCD पैनल के अलावा कोई और डिस्प्ले टाइप है, जैसे AMOLED, OLED, बस IPS LCD पैनल नहीं है, कोई और है, तो अपने फोन को अपडेट मत करना। अगर अपडेट करोगे तो ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन या फिर कुछ भी ऐसे लाइनिंग बन के आ जाएंगे आपके डिस्प्ले पे, फिर डिस्प्ले खराब, आपको डिस्प्ले जाके बदलवाना पड़ेगा। तो फोन को अपडेट मत करना, चाहे आप कोई भी फोन खरीद रहे हो। सबसे पहले उन बंदों पे आते हैं जो वन प्लस नॉर्ड 3 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो यार, मैं बस यही कहना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग आपको कह चुके होंगे कि भाई 35,000 रुपीज लगा रहे हो तो थोड़ा सा पैसा और लगाकर वन प्लस 11R क्यों नहीं ले लेते। भाई ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप एकदम फ्लैगशिप फोन तक पहुंच चुके हो तो भाई 3,000-4,000 रुपए की तो बात है। और यार इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ, कई लोगों के लिए 1,000 रुपए भी डील ब्रेकर्स बन जाते हैं कि भाई मेरा इतना ही पैसा अरेंज हो सकता है, इससे 1,000 रुपए भी मैं आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना टाइम ले सकते हो लो, 3,000-4,000 रुपए इकट्ठा करो और एक अच्छा फ्लैगशिप फोन जाकर लो, वन प्लस 11R। नहीं ले सकते तो 35,000 रुपीज में वन प्लस नॉर्ड 3 भी मत खरीदो, नहीं तो फिर पैसे को कम करो और वन प्लस नॉट सी 3 को जाके खरीदो। पर 27,000-28,000 रुपीज़ का फोन है एंड वन प्लस नॉट सी 3 और वन प्लस नॉट 3 में डिफरेंसेस काफ़ी कम है, वो आपको बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छा वैल्यू दे रहा है, उसको जाकर ले लो, ठीक है, लेकिन नॉट 3 को मत खरीदो। अब आप बोलोगे सुफियान भाई, तब मैं 35,000 रुपए में नॉट 3 क्यों ना लूं, जब वो सी 3 से बेहतर है। तो भाई जब 35,000 तक पहुंच चुके हो तो क्यों नहीं रुक जाते हो, रुक कर पैसा इकट्ठा करके 11R जाके लो ना, ये भी बात आ जाती है। फिर भाई अगर सेंटर पे रहोगे तो सारी अच्छी चीज़ें तो सबसे पहले मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले दर्द भी आपको मिलेगा और सबसे पहले नुकसान भी आप ही को होगा, इस बात को ध्यान में रखना, ये एक कहावत है, एक फैक्ट है। अब उन बंदों की बात करते हैं जो आईकोनियो 7 प्रो को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। पहली बात, आईकोनियो 7 प्रो का ऑफर्स और जितना भी इंट्रोडक्शनरी वाला माल मसाला है वो चालू होने वाला है, क्योंकि पहला सेल आने वाला है और ये फोन आपको 32,000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। अगर इस प्राइस पे इस फोन को हासिल कर सकते हो तो फटाक से जाके कर लो, लेकिन अगर आप इसके नॉर्मल प्राइस पे इसको हासिल करोगे यानी कि 35,000 रुपीज़ के आसपास, तब मत इसको बाई करो यार। फिर से वही बात घूम फिर के आ जाएगा कि 35,000 रुपीज़ तक आ गए लेकिन तब भी वन प्लस 11R को नहीं ले रहे हो आप। और भूलो मत, वन प्लस 11R में भी 8th Gen 1 प्रोसेसर है, उसके भी कैमरास बहुत बवाल है, कर्व डिस्प्ले है और वो देखने में भी बहुत मस्त है, फ्लैगशिप फोन है वो, आईकोनियो 7 प्रो से वो बेहतर है। और इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि वन प्लस नॉर्ड 3 से आईकोनियो 7 प्रो बेहतर है, हाँ वो एडवांटेजेस बहुत अच्छे अच्छे देता है वन प्लस नॉर्ड 3 से कंपेयर करोगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आईकोनियो 7 प्रो को भी आप स्किप मारो, पैसे बचाओ, इकट्ठा करो कहीं से भी और वन प्लस 11R की तरफ बढ़ो, आईकोनियो 7 प्रो को मत खरीदो। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो नथिंग फोन 2 को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो यार, पहली बात, एक बात जान लो, नथिंग फोन 2 इस लाइन में आएगा ही नहीं, वो 40,000 रुपए के रेंज में अंदर में आएगा ही नहीं, वो 40,000 रुपए में भी नहीं आएगा, वो 40,000 रुपए से ऊपर जाएगा और 40,000 रुपए से ऊपर जाने के बावजूद भी वो वन प्लस 11R से अच्छे स्पेक्स दे ही नहीं पाएगा। वन प्लस 11R जबकि अच्छे स्पेक्स देगा नथिंग फोन 2 से कंपेयर मारोगे तो अभी भी कह रहा हूँ नथिंग फोन 2 को मत खरीदना, वन प्लस 11R को खरीदना, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा वैल्यू अच्छा रखता है। प्रो टिप ये है मेरे भाई कि अभी कोई भी फोन को मत खरीदो, हाँ सही सुन रहे हो, कोई भी फोन को मत खरीदो, चुपचाप से घर में बैठो, आराम से अपना जूस वगैरह पियो, खाओ पियो, जिंदगी बढ़िया चलेगी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दिवाली तक रुक जाओ, दिवाली सेल में सभी फोन्स के ऊपर बहुत ही मस्त ऑफर्स और प्राइस कट्स मिलेंगे, फिर जो भी आपका मनचाहा फोन होगा खरीद लेना यार, मैं भी रुका हूँ, आप भी रुक जाओ और ज्यादा महीने भी नहीं बचे हैं दिवाली को, तो मजे से उस टाइम पे खरीदेंगे ना यार। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप वन प्लस नॉट 3 या फिर वन प्लस नॉट सी 3 या फिर आईकोनियो 7 प्रो या फिर वन प्लस 11R, नथिंग फोन 2, इनमें से कोई भी फोन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, आप खरीदना चाहते हो मेरे को यही फोन चाहिए, तो आप खरीदो यार, क्योंकि आपका चॉइस है और मैं आपकी चॉइस की
इसकी कदर करता हूँ, ठीक है। मेरा काम है मैं आपको सबसे बेहतर सब बेहतर चीज़ आपके लिए बताऊँ, आपको जो सबसे फ़ायदा अच्छा पहुँचाएगा मैं आपको वो चीज़ बताऊँ, मेरा यही काम है, मैं यही बताया आपको। लेकिन अगर आप नॉर्ड 3 खरीद रहे हो, नियो 7 प्रो खरीद रहे हो, तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, अच्छा चीज़ है यार, अच्छा फ़ोन है, जाके खरीदो, आपका चॉइस आपका पसंद है, मैं कदर करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको केवल टिप्स दिए, आपके फायदे वाले चीज़ें आपको मैंने बताए, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को खरीदोगे तो नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छी चीज़ है यार, मैंने कदर किया और मैंने आपकी ओपिनियन को माना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, इस वीडियो को शेयर भी करना अपने किसी दोस्त के साथ, उसका भी कंफ्यूजन क्लियर होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा यार। जय हिंद, वंदे मातरम। With the moves.